अरे कहाँ, वीडियो नहीं बनाते आप सर इससे हमारी क्लास में? तो बेटा जब बोर्ड में पढ़ेंगे तब तो बनाएंगे ना। न्यूमेरिकल्स करावा नहीं, अभी ग्रेविटेशन का थोड़ा तो एक बैकअप होना चाहिए, बहुत दिन पहले पढ़ाया हुआ था, पता नहीं कितना चीज दिमाग में है कितना। देखिए ये ग्रेविटेशन का रिवीजन ही क्लास समझ लीजिएंगे आप। ग्रेविटेशन था क्या, केवल ब्रॉड लाइन में जो लिखा है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते चलेंगे। अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, ये तो रहने दीजिए। देखिए ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इनफैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की ओर खींचती है, पुल करती है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, पुल्स द एक सेकेंड, पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। तो वह फोर्स जिसके कारण, ऐसा फोर्स जिसके कारण अर्थ किसी भी चीज को अपने सेंटर की ओर खींचती है, केंद्र की ओर, उसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोस्फियर अबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वॉटर इन द रिवर्स। इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ Which keep us firmly on the ground। समझ रहे हैं, वायुमंडल अर्थ से इसीलिए जुड़ा है क्योंकि ग्रेविटेशन है। वर्षा भी होती है तो पानी ऊपर नहीं निकल जाता नीचे, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी उसको पानी की बूंदों को नीचे खींचती है, जल की बूंदों को, इसलिए पानी जब बरसता है तो धरती पे आता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको कहते हैं। कहा यह जाता है According to Newton, Newton ने कहा कि every object in this universe attracts, ठीक है, attract every other object with a certain force, ठीक है, the force with which two objects attract each other is called gravitational। केवल धरती की बात नहीं है, हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक दूसरे पे नहीं लगता और एक दूसरे को अपनी ओर नहीं खींचता। तो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसी फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। इफ द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल, ठीक है, मतलब कि उनका वेट अगर बहुत कम है, छोटा वेट वाला कोई चीज हो गया, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजी। अगर दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप हो और हो सकता है कि ट्रक हो, दो ऑब्जेक्ट, उनका मास तो फिर भी अर्थ की तुलना में बहुत कम है ना, छोटा है, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या ग्रेविटी आपके और ट्रक के बीच में लग रहा है, हम लोग इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे टू स्टोन्स लेइंग ऑन द ग्राउंड अट्रैक्ट ईच अदर, बट सिंस देयर मासेस आर स्मॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज स्मॉल एंड हेंस वी डू नॉट सी द स्टोन मूविंग टुवर्ड्स द अदर स्टोन। दो पत्थर जमीन पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन हमको इतने छोटे मासेस के कारण कभी ये नहीं दिखेगा कि एक पत्थर दूसरे के पास जाके चिपक गया या उधर जाके लुढ़क गया, ऐसा तो कभी नहीं दिखता, लेकिन ग्रेविटी है। लेकिन ग्रेविटी क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उनका मास बहुत ही कम होता है, इसलिए नहीं दिखता। कम मास पे कम ग्रेविटी लगती है, ज्यादा पे वो फील होती है हमें। सो If however one of the object is very big, then the gravitational force becomes very large। ठीक है, आपको पता है जो चीज जितनी ही ज्यादा अधिक मास वाली होगी, वेट वाली होगी, उसके अंदर उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशन होगा। अर्थ मून से ज्यादा मास का है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी मून पे दिखती है, चक्कर लगाता है। सन की, सन का जो मास है हमारे A2 प्लेनेट जितने भी प्लेनेट से सबसे ज्यादा है एक स्टार के कारण, इसलिए वो सबको अपनी चारों तरफ घुमाता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे बड़ा साइज का भी है और उसका मास भी सबसे अधिक है। ठीक है, बोलिए। रबड़ की में ज्यादा मास हो गया और हम उसको अपनी पूरी ताकत से फेंकते हैं, ज्यादा ऊपर जाते हैं, प्लास्टिक के फेंकते हो। हाँ,
वो तो ज्यादा ग्रेविटी नहीं, ये तो मोशन वाला चैप्टर फिर हो गया ना, ये तो ग्रेविटी वाली बात ही नहीं रही फिर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। एयर जो होता है ना, एयर रेसिस्ट करता है, हवा आप फेंकोगे तो हवा को चीरते हुए उसको जाना है, बात समझ रहे मेरी बात। इसलिए मास वेलोसिटी सॉरी क्या कहते हैं एक्स क्या नाम था उसका एक्सीलरेशन इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, हाँ एक्सीलरेशन मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कि कोई चीज की स्पीड कितनी होगी उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब एक्सीलरेशन मतलब क्या है, हर समय अंतराल पे टाइम पीरियड पे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए, ऐसा ही एक्सीलरेशन होता है ना। तो अगर मास कम है तो इस एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को नहीं करेगा, क्योंकि मास कम हो गया, प्लास्टिक के बॉल का वेट तो कम होता है ना इसलिए। और अगर वही जो भारी बॉल होगी, ड्यूस की बॉल या जो भी थोड़ी हैवी वेट में ज्यादा होगी, वो ज्यादा तेजी से जाएगी। ये फॉर्मूला है, मैं आपको ये तो फॉर्मूला की बात हुई। अगर रियल साइंस में पूछो तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिसके अंदर ज्यादा वेलोसिटी होगा उस पर ग्रेविटी भी कम लगती है, समझ रहे हैं बात। हाँ हाँ, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, मैंने कम लगेगी, कम लगेगी, और जिसमें कम स्पीड है, वेलोसिटी कम है, उस पे ग्रेविटी ज्यादा लगती है, ग्रेविटी ज्यादा लगती है। एक बात ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट भी सुन लीजिए, आपको पता है जो हल्की चीज होगी ना वो हवा उसको रेसिस्ट करेगा, क्योंकि उसमें फोर्स कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब कि फोर्स कम है, हवा में फ्लो होगी ना, तो हवा क्या होगा उसको रोकेगी, रेसिस्ट करेगी, ये भी एक कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसी बात पे आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं पूरा प्रयास करूंगा, नहीं कर रहा, जाओ 52 पेजे कैसे करूं, कि आज सारे कॉन्सेप्ट करा, फिर भी पूरा ट्राई रहेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जो कि न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल नाइस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी कोई बॉडी होता है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे जो लिखा रहता था ना, तो आप लोग की क्लास में मेरे को भी ना बहुत घनघोर भयंकर वाला चक्कर आता था, क्या लिख दिया है। देखिए मैं आपको बस ये बता रहा हूं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में कितनी ग्रेविटी है उनके मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लो किसी में 10 है ग्राम और किसी में मान लो क्या कहते हैं 20 है, तो दोनों का मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से बढ़ेगा ग्रेविटेशन। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो चीज नजदीक, इसका मतलब यह हो गया, पहली बात, जिसमें मास ज्यादा होगा ग्रेविटी उस पर ज्यादा लगेगी। ध्यान से सुनते जाइएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे दे भी रखा है उसको, उस पर ज्यादा ग्रेविटी अप्लाई होगी, मास वजन पे, वेट पे, आप तो एक्सेलरेशन पे चले गए ना, जिस पे ज्यादा मास होगा वो ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज ग्रेविटी किसके बीच में लगेगी, दो चीजों के बीच में लगेगी ना, अकेला तो कोई चीज अकेला किसको खींचेगा, कोई दूसरा भी तो होना चाहिए खींचने के लिए। अर्थ, हमने बॉल ऊपर फेंका, अर्थ ने बॉल पे ग्रेविटी लगाया, तो अर्थ और बॉल दो ऑब्जेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो दो ऑब्जेक्ट अगर हो तो दोनों के बीच में जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटी उस पे लगेगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर अवे, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं, 400 से 500 किलोमीटर की हाइट हमारे सरफेस से ऊपर हो जाए तो जीरो ग्रेविटी में चल जाता है और अर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यह बता दूं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज्यादा नजदीक हो या मून हुआ,
कहां 400 किलोमीटर, कहां 384,000, मतलब 4,00,000 किलोमीटर, तो ज्यादा नजदीक कौन हुआ? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो मून को अर्थ का चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं, क्योंकि ज्यादा दूरी हो जाने के कारण पृथ्वी मून पे कम ग्रेविटी लगाती है, ठीक है। लेकिन वही आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के बिल्कुल नजदीक होते हैं, वो एक दिन में 2-3 चक्कर पूरे अर्थ के लगा लेते हैं, पता है 40,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कोई कोई घूमता है, इतनी स्पीड सैटेलाइट या अर्थ की ग्रेविटी के कारण, पर आवर या पर सेकंड, पर आवर समझ रहे। एक बात और, बिल्कुल हर चीज की एज होती है, खराब होते हैं, फिर उसको खराब होते हैं तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या डिस्ट्रॉय नहीं भी होते हैं तो इस तरह से जो भी सैटेलाइट खराब हो जाते हैं ना, लाखों लाख इसी तरह स्पेस में घूमते रह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होकर। इसके पीछे तो पूरा बहुत बड़ा साइंस है। बाद में ऑर्बिट के बाहर पहुंच जाते हैं जब उनका टाइम पीरियड हो जाता है, हाँ। और फिर वो स्पेस में फ्लोट स्पेस में जिसपे डॉट्स क्लियर हो जाए। हाँ, पूरे हफ्ते का एक छोटी सी है ना डायरी या नोटबुक, आदमी बच्चे छोटे रखते हैं समझ रहे ना, उसपे सब कुछ लिख के रखते हैं। ये पता है कौन काम करता था? ये अरुण करता था। जब किसी दिन हो ना कि अच्छा ठीक है आज राउंड पूछ लो भाई, उसके है ना 80-85-86 क्वेश्चन में चक्कर आ जाए, याद तो एक ही डाउट में पूरी क्लास निकल जाएगा। लिख के रखता था। देखिए, तो दो चीज हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, बिल्कुल याद रखना है, पेपर में आएगा। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के बीच दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऑब्जेक्ट में के बीच में ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगेगा उनके मास के अनुपात में होगा। जितना ज्यादा उनका मास होगा दोनों का, उतना ही ज्यादा ग्रेविटी लगेगा। सिंपल सी बात, पॉजिटिव, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा ग्रेविटी। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। दूसरी बात, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये फोर्स है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, इस तरह से हम लोग करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट m1 into m2/r² और इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो एफ है हमारा, ये एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अभी जो न्यूमेरिकल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम लगेगा, डिस्टेंस कम रहेगी ग्रेविटी ज्यादा लगेगा, क्लियर है। एक बात, दूसरी बात क्या है, जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटी उतनी ही लगेगी, जितना कम मास होगा ग्रेविटी उतनी कम लगेगी, सिंपल सी बात। आगे, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, सपोज अर्थ और मून के बीच की दूरी 384,000 किलोमीटर, मतलब कि 4,00,000 किलोमीटर, हम उसको 8,00,000 किलोमीटर बढ़ा दें, मतलब इतनी दूर कर दें, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा। एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस, और अगर उस डिस्टेंस को अगर आधा कर दें, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 times, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को डबल बढ़ा देते हो तो 1/4 हो जाएगा उसका, आप कैलकुलेट कर लेना। अगर डिस्टेंस जितनी भी थी उसको हाफ कर देते हैं तो 4 times मल्टीप्लाई 4 कर देना, इतनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है, क्लियर है ना। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। यार हाथ तो मेरे बर्फ की तरह ठंडे हो गए यार, पता क्या करो, गर्म पानी ला उसमें हाथ डबल, उसके बाद उसको ढक लो, उसके बाद फिर पूछ के यूज कर लो, फिर ठंडा पी। हाउ नाइस ऑफ यू ना, इतना यही मैंने काम रह गया, वो बांदरों वाले काम, कुछ काम नहीं तो उसके क्या कहते हैं ढील को, मतलब जुए निकालेंगे और फिर उसी जू को खा जाएंगे। सर,
हाँ मैं समझ गया आपकी बात को बेटा, उसके लिए केवल इतना छोटा सा काम ना कर दे बस, सिंपल सा बात। लेकिन जब है ना इधर से थोड़ी थोड़ी हवा जब आएगी ना तो यहाँ से पूरा करंट दौड़े, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर, समझ गया मैं। चलिए देखिए आगे, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये जितने भी हैं अभी न्यूमेरिकल्स में आपको बताए जाएंगे। देखो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज बीन फाउंड टू बी 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा अगर इसको जब तक न्यूमेरिकल नहीं होता तो कैसे होगा? द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन एनदर कॉन्स्टेंटली। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल से कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग ये मत सोचना कि सर जी स्किप कर रहे हैं, सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना? मेन तो न्यूमेरिकल ही करना, आज केवल आप लोग को कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल की खिचड़ी में ना कॉन्सेप्ट हो पाएगा ना ये न्यूमेरिकल हो पाएगा। देखिए द वेरियस ऑब्जेक्ट नाइस ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन अदर कॉन्स्टेंटली, दे डू नॉट कॉज एनी मोशन बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। छोटी छोटी चीजें वस्तुएं होती हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, छोटा होता है, जिस कारण से वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच नहीं पाते, सिंपल सी बात। चलते फिरते इस्किमो लोग, वेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर वेरी बिग, जैसे सन और अर्थ को लेंगे, अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़े हैं, हैविंग वेरी लार्ज मासेस, तो उनका मास भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? Then the gravitational force of attraction between them becomes extremely large. तो उनके बीच का gravitational जो force होगा, attraction force होगा, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। आपको ये भी पता है gravitational force holds the solar system together. ये gravitation ही है जिसके चलते 8 के 8 प्लैनेट्स एक दूसरे से बराबर दूरी पे अलग अलग जो भी माने कि डिस्टेंस उनके बीच है उसको मेंटेन करते हैं, और उस डिस्टेंस के साथ ही अलग अलग अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना? ये ग्रेविटेशन ही है। हाँ बहुत यार, बहुत सारे बहुत बहुत ज्यादा समय लगता है। It is the gravitational force between the sun and the earth which keep the earth in uniform circular motion around the sun. ठीक है, कोई कहते हैं कि सर्कल में ही क्यों ऑर्बिट चक्कर लगाता है, मैं आपको बताऊं ग्रेविटेशन का एक मतलब ये सिंपल सा, जैसे ही ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम क्या सोचते हैं, मजा नहीं आ रहा बेटे? अच्छा आपने टोपी नहीं पहना, जिस तरह एक दो दिन आप बिना जैकेट के आ गए इस तरह बेटा, अच्छा जैकेट साफ हो रही होगी, समझ गया मैं। वॉशिंग मशीन है घर में, वॉशिंग मशीन तो उसमें तो सूख जाता है जल्दी। नहीं सूखती, आप इसको उठा के देखना कुछ दर्द जितनी होगा। अब तो बेटा कंपनी वाला सामान पूमा खरीदेगा तो थोड़ा मैंने ऐसा, लेकिन साफ होने के बाद मजे फिर है ना। क्या बात कर रहा है, मैं उतना मोटा जैकेट मैंने साफ कर दिया, देखो वो सूख गया आजकल में। तो धूप देख के मम्मी को कहा करो साफ करने के लिए। चलो देखो ये भी ग्रेविटी में आ गया, देखो वॉशिंग मशीन।
इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. देखो मैं ये समझा रहा था, जब भी हम लोग शुरू में ग्रेविटी के बारे में सोचते हैं, ग्रेविटी मतलब सीधी सी, अरे धरती ने एप्पल खींच लिया, नीचे गिर गया. लेकिन ये भी तो सोचो, एप्पल इससे पहले क्यों नहीं गिरा? क्योंकि एप्पल भी धरती को ऊपर की ओर खींच रहा था. लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि एप्पल की ऊपर खींचने की ताकत कम हो गई, उसकी स्टेम की पावर खत्म हो गई. स्टेम की पावर खत्म हो गई मतलब कि ऊपर खींचने की पावर कम हो गई और तब गिर गया. समझ रहे? तो यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटी लग रही है तो दोनों एक दूसरे को खींच रहा है. अर्थ भी सन को खींच रहा है जिस तरह सन अर्थ को खींच रहा है. इसी कारण से अर्थ सन में जाके क्रश नहीं हो जाता, ठीक है, या बहुत ज्यादा दूर नहीं निकल सकता. इसीलिए एक सर्कल में हमेशा ऑर्बिट लगाना पड़ता है. जैसे अगर एक पत्थर में डोरी बांध के आप रखोगे, मैं एक और भी कॉन्सेप्ट, ये जो पढ़ा रहे ना बेटा, ये हमेशा पेपर में आते हैं आपके, आपके स्कूल के पेपर में नहीं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में, छोटे से लेके बड़े, फिजिक्स से ही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है. केमिस्ट्री से बहुत कम, बायोलॉजी से भी आता है. देखिए अगर अर्थ पर सन की ग्रेविटी नहीं लगे, अचानक सन की ग्रेविटी खत्म हो जाए, तो अर्थ किस तरह से मूव करेगी? मैं पहले पूछ लूं बच्चों से. मानसू अगर अर्थ पे सन की ग्रेविटी अचानक आप खत्म कर दो, आज मैं भी खत्म कर देता हूं, तो अर्थ की मूवमेंट कैसी हो जाएगी? सर वो गोल गोल ही घूमेगी ना फिर अपने अक्ष पर. बिल्कुल नहीं, जुपिटर के अराउंड. नहीं 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 नहीं, नहीं उसको छोड़ दो ना, कहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. हाँ फिर वो स्ट्रेट. हाँ आपको पता है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ जो हम लोग करते हैं बचपन में. हाँ बिल्कुल, अगर वो छोड़ दिया तो एक डायरेक्शन में जाएगा. बिल्कुल, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि उस कारण कोई भी चीज अपने सेंटर की ओर आकर के गिरना चाहती है. सेंट्रीपिटल फोर्स मैं आपको और बताता हूं. आप एक पत्थर में डोरी बांध करके, रस्सी बांध के उसको हाथ से गोल गोल घुमाइए. जब तक आप, वो गोल गोल कब घूमेगी? जब तक आपके हाथ का जो मैंने डोरी पे तनाव बना रहेगा, टेंशन बना रहेगा. क्योंकि हर बार डोरी आप जब खींचोगे तो क्या होगा, आप अपनी ओर खींचोगे तो क्या होगा, वो पत्थर गोल गोल घूमेगा. और जैसे ही आपने ये टेंशन छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया रस्सी, छोड़ती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, सीधी जाएगी वो पत्थर जहां तक जा सके, कभी सर्कुलर नहीं जाएगी. तो यही होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि दो चीजों के बीच में आपसे कोई ये पूछे कि सन के चारों तरफ अर्थ गोल गोल ही चक्कर क्यों लगाती है, कोई भी चीज, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण. समझ रहे? चलो, अर्थ अपने सारे चीजों को, सभी हिस्सों को सेंटर की ओर खींचना चाहती है. इसीलिए सारे चट्टान, सारे रॉक, सब कुछ, एटमॉस्फेयर, सब कुछ, हम आप अर्थ से चिपके हुए हैं, अंदर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है. और सन क्या करता है, सन भी सब चीजों को अपनी ओर, अंदर की ओर, सेंटर की ओर खींचना चाहता है. इस कारण से दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं और इस कारण से क्या होता है, बैलेंस बना होता है. टाइड्स इन द सी, बेटा आवाज साफ नहीं आ रही मंसूर आपकी. हाँ अच्छा ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना मानसू, इसमें नेटवर्क का इशू होता है, उसको आप है ना व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज कर दिया करना, हम उसको कंसीडर कर लेंगे बाद में. हाँ मैसेज भी कर सकते हो, चैट में मैं देख लूंगा. देखिए जो टाइड्स होता है, द टाइड्स इन द सी फॉर्म्ड बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सी. टाइड्स ज्वार भाटा तो आप लोग समझते ही होंगे. होता क्या है, सन और मून दोनों की ग्रेविटी जब लगती है एक साथ, तो स्पेसिफिक टाइम पे जब मतलब कि न्यू मून हो या फुल मून, मतलब अमावस्या पूर्णिमा को, तो ज्वार भाटा आता है, ऊंचे ऊंचे लहरें समुद्र में उठती है. धरती पर सबसे लूज क्या है, हवा के बाद,
वाटर ही तो है, तो हवा तो हमें दिखेगी नहीं कि जा रही है आ रही है, लेकिन वाटर तो दिखेगा ना, तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उसी को ज्वारभाटा कहते हैं। ज्वारभाटा क्या है? और आप सोच भी नहीं सकते कि हर दिन मैं कितनी बार पढ़ता हूँ इसे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन विश्वास रखिए आपके टीचर ने अच्छे से आपको समझाया नहीं होगा। आपको पता है हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारे डाउट्स बढ़ते नहीं है। स्कूल की नोटबुक बनाने और प्रोजेक्ट बनाने के दबाव में हमारे सारे डाउट्स दबते चले जाते हैं। ये छोटा बच्चा जो होता है ना, जिसको थोड़ा स्कूल से कम काम मिले या मैंने जीले क्या बेटा, हाँ आपको पता है कि खोज हुई थी? खोज किस चीज की? खोज पीछे का सुन रहा, आगे का सुन रहा, बीच का नहीं सुन रहा। बेटे आवाज आपकी साफ नहीं है, क्यों ग्रेविटेशन की? होमवर्क की खोज कब हुई, मैंने कब से दिया जाने लगा? पता नहीं बेटे, याद नहीं मेरे को, मैंने सुना था ये मैंने सुना था, याद नहीं है उसका डेट। सर ने कल पढ़ा थी 105 में। अच्छा चलो बढ़िया, 5 में या 6 में? हाँ वो 5 या 6 देखेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो दे दिया आपके न्यूटन ने, लेकिन अब ये प्लेनेट जो मूव करते हैं इसके हिसाब से एक दूसरे वैज्ञानिक है, मतलब एस्ट्रोनॉमर जोहान केपलर, उन्होंने क्या बताया देखेंगे। जोहान केपलर वॉज 16th सेंचुरी, ये फालतू चीज हम नहीं देखेंगे, सीधे आएंगे। शिट यार, कहीं अगला पेज भी ऐसा ही तो नहीं है। ओ हो हो हो, हमारी फिजिक्स की बुक किसके पास है? ये तो यार धुंधला आ गया पेज हमारे पास। मानसु तुमने ये बुक अभी तुम्हारे पास है क्या, ये फिजिक्स वाली? हाँ सर, हाँ तो बेटा ये है ना पेज नंबर 85 की पिक खींच के व्हाट्सएप करना जरा मेरे को अच्छे से, 85 और 86 का बेटा। सर हर्ष के फोन से कर दूंगी मैं शाम में, अभी क्योंकि ना मेरा फोन का कैमरा। तो बेटे अभी मुझे दिख नहीं रहा है ना इसमें लेटर्स कैसे पढ़े, केपलर सेकंड लॉ, केपलर्स लॉ को अभी स्टॉप करते हैं, वो पेज इसके धुंधली आ रही है। उसने भी तो ये वाला दिया था ऐसे घुमा, नहीं फिर भी मेरे को अच्छे से बताना पड़ेगा। सर मैं लिया हूं, फिर मान के घर पे से अभी अभी नहीं, कल ले आइएगा, कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है, वैसे ये काम तो चल ही रहा है, एक दो पेज की बात है, पीडीएफ तो बन गया। कोई बात नहीं, आप ले आना कल, ठीक है ना, एक दो पीडीएफ। मानसो कैमरा ऑन कर दूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटे, मैं पढ़ा लूंगा, एक दो ही तो कॉन्सेप्ट है ना, कल भी करा देंगे, देखेंगे। हाउ डिड न्यूटन गेस, नहीं दिखेगा मानसू बेटे रहने दे, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल। जोहान केपलर के आधार पे ही न्यूटन ने एक अलग अपना सिद्धांत बताया, और वो क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। देखते हैं, the gravitation force between the sun and planet is inversely proportional to the square of distance between them. Newton ने बताया था ना, Newton ने ये बताया था कि दो object हो, उनके बीच का distance, ठीक है, उसके बीच के distance के inversely proportional होता है of the square of distance between them. उनके बीच के distance का जो double होगा, वो ना अपन fourth हो जाता है ना, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को डबल करते हैं तो उनके बीच का ग्रेविटी 1/4 हो जाता है, मैंने बताया था। और इट वाज द कंक्लूजन ऑब्टेंड बाय यूजिंग केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। न्यूटन के लॉ से ही केपलर ने ये चीज ली और उसी को इसमें इंक्लूड किया, टू न्यूटन टू फॉर्मुलेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी ऑब्टेंड बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ, नहीं नहीं सॉरी, केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को ही यूज करके न्यूटन ने केपलर का लॉ लिया, उसके आधार पे अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। क्लियर है ना,
ओके, तो हम देख लेते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आपको पढ़ा भी रखा है, और ग्रेविटेशन क्या है. द न्यूटन्स थर्ड, और तुम लोगों को पता है मैंने ये जैसे मोशन वाला चैप्टर 6 में भी है. अब बच्चे जिद करने लगे तो 9th क्लास का बुक उठा करके न्यूटन के तीनों लॉ मैंने पढ़ाया उनको, तब जाके उनका है ना पेट भरा. द लिदर सब. द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. दिस मीन दैट व्हेन अर्थ exert a force of attraction on an object, then the object also exert an equal force on the earth in the opposite direction. Newton third law of motion क्या कहता है? Every action has some an equal reaction. पता है ना, अगर आप दीवार पे मुक्का मारोगे तो दीवार भी आपको उतना ही कस के धक्का देगा, होगा? तो यही कहा जा रहा है न्यूटन का जो थर्ड लॉ था और ग्रेविटेशन में ये है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे, अगर आप कुर्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं तो कुर्सी भी आपको अपनी ओर खींच रहा है. यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है? और ये किस आधार पे है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी और ग्रेविटेशन दोनों सेम ही है. मेरे कहने का मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एवरी, आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, ठीक है? आप अगर छत से कूदते हो जमीन पर, ठीक है, तो जितनी जमीन आपको खींच रही उसी तरह आप भी ऊपर की ओर खींच रहे हो, और उतना ही आपके ऊपर भी चोट लगेगी. और अच्छे समझाएं, एक मिनट, उसमें और भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे. अगर आप इस कुर्सी से कूदोगे आपको कम चोट लगेगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है. और जैसे जैसे अब देखो क्या हो, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, अगर मान लो कि एकदम 10 माले की छत से कूदोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप धरती के नजदीक आते जाओगे आपका एक्सेलरेशन बढ़ने लगेगा. पता है ना ग्रेविटी क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे वो आपकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा जिससे चोट लगेगा. ये मैं क्या पढ़ा दिया यार, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं. न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, और बराबर रिएक्शन होगा. जितना तेज आप मुक्का मारेंगे उतना तेज आपको चोट लगेगा, सिंपल सी बात, ठीक है, पहली बात. और न्यूटन का और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यही कहता है कि एक ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचते हैं तो ऑब्जेक्ट भी आपको अपनी ओर खींचता है. दोनों चीज सेम ही है. चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? फोर्स, आप किसी पे फोर्स लगाएंगे तो डिपेंड करेगा मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना. मैं आपको बताता हूं, अगर आपको, ठीक है, एक पंख से मारा जाए, मास नहीं है, आपको चोट नहीं लगेगी. पूरी तेज से मारा जाए, एक पंख है, मोर का पंख हो, उससे बहुत खींच के मारे आपको, जितने मेरे अंदर है ना, जितना मैंने दाल चावल खा रखा, पूरी ताकत लगा के, याद रखिएगा यहां पर तो मास ही नहीं है, ठीक है, तो आपको चोट ही नहीं लगेगी. सुनो ना मेरी बात, वही मैं क्या करूं, पीवीसी पाइप उठाऊं तो मास भी है, लेकिन मैं आपको मारूं तेज नहीं, ले कि मैं सटा दूं, आपको क्या चोट लगेगी? फिर भी नहीं लगेगी. तो यहाँ पे दोनों चीज है, पीवीसी पाइप हो मतलब कि अगर उससे अंदर मास हो तो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, तेजी से स्पीड से लगना भी चाहिए, तब निकलेगा उइमा. उइमा, उई पापा, मम्मी पापा, दादा दादी सारे याद आ जाएंगे, पूरा कुणबा याद आएगा, साथ में भोले. हाँ बेटे, तो ठंड में मैंने किसको मारा है, मारता भी हूं मैं. तो एक्स फोर्स कैसे होगा, फोर्स न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का जो सम होगा वो दोनों उसके बराबर ही होगा. नहीं यार, मैं मारता मैं बस इसलिए हूं ना ताकि बच्चा पढ़ाई को लेके सीरियस रहे. मेरा कोई अपना पर्सनल कोई ईगो सेटिस्फेक्शन थोड़ी है भाई, कि बिना मतलब. हाँ, नहीं इतनी सर्दी में नहीं मारेंगे बिल्कुल. The mass, अब देखेंगे, the mass of a stone is very small, due to which the gravitational force produces a large acceleration in it.
due to the very large mass of the earth, the same gravitational force produces very, very small acceleration in the earth. Actually, the acceleration produced in the earth is so small that it cannot be observed, and hence we do not see the earth rising up towards the stone. दोनों स्टोन भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है और धरती भी स्टोन को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन मास अर्थ का ज्यादा है, स्टोन का कम, इसलिए आपको ये नहीं दिखेगा कि धरती भी ऊपर की ओर उठ रही है स्टोन के साथ, ये हमें फील नहीं होगा. सो सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल, वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द फॉलिंग स्टोन. पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है धरती की ओर, तो ये पत्थर भी ऊपर की ओर जा रहा है, धरती भी ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन आपको पता है कि धरती का अर्थ का एक्सेलरेशन ऊपर जाने का बहुत ही एकदम स्लो होगा, जिस कारण से हमको वो नहीं देख पाएंगे. फ्री फॉल क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल. देखो साइंस में छोटी सी बात को पूरा एकदम बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के लिखेंगे. अरे ऊपर से कोई चीज गिरा, ऊपर से नीचे आया, धरती पे गिर गया, फ्री फॉल, बात खत्म. इतना ज्यादा परिभाषा घुमा दी है इसमें. वैज्ञानिक लोगों को आती थी. गैलीलियो ने क्या बताया? गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे मैं आपको बताता हूं, एक पंख आप छत से नीचे फेंको और एक हथौड़ा भी छत से नीचे फेंको, ठीक है, तो हम क्या कहते थे पहले कि हथौड़े में ज्यादा मास है इसलिए एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो गया, मास ज्यादा है इसीलिए धरती पे जल्दी नीचे गिर गया, ठीक है, और मास ज्यादा रहने के कारण हथौड़े पे धरती का ज्यादा ग्रेविटी लगा, पहले ये सोचते थे. गैलीलियो ने इसको पलट दिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी फ्री फॉल ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज, प्लास्टिक का बॉल हो, आदमी हो, गधा हो, पेड़ हो, कुछ भी, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो फ्री फॉल होने पे इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि उन ऑब्जेक्ट्स का मास कितना है, ये मैटर नहीं करता. तो मैटर क्या करता है? ड्यूरिंग फ्री फॉल द हैवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सलरेट द सेम रेट. हथौड़ा और मोर का पंख या किसी भी पक्षी का पंख दोनों बराबर एक्सेलरेशन करेंगे. एक्सेलरेशन तो समझते हैं, पर हवा में. हाँ, इट वाज सजेस्टेड बाय गैलीलियो दैट द स्लो स्पीड ऑफ फेदर व्हाइल फॉलिंग इज ड्यू टू